इस साल वैश्विक बेरोजगारी का आंकड़ा लगभग 2.5 मिलियन बढ़ने का अनुमान है। यही नहीं, दुनिया भर में लगभग आधा अरब लोगों को पर्याप्त रूप से वैतनिक काम नहीं मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक ये आधा अरब लोग जितने घंटे काम करना चाहते हैं उन्हें उतना काम नहीं मिल रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक बेरोजगारी बीते 9 वर्षों से स्थिर थी, लेकिन जैसे जैसे वैश्विक आर्थिक वृद्धि सुस्त हो रही है और कामगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उस अनुपात में बाजार में नई नौकरियां नहीं पैदा हो रही हैं। यही नहीं, इन कामगारों की लेबर मार्केट तक पहुंच भी नहीं हो पा रही है। WESO की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती बेरोजगारी और गहरी होती असमानता की खाई के कारण लोगों को नौकरी या काम के जरिए बेहतर जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। लोगों को उनके माफिक काम नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट में दुनिया भर में 18.8 करोड़ लोगों को बेरोजगार माना गया है, जबकि 16.5 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त वैतनिक काम नहीं है। बेरोजगारी का आलम यह है कि दुनिया में 12 करोड़ लोगों ने काम ढूंढना छोड़ ही दिया है। ILO के महानिदेशक गे राइडर ने बताया कि दुनिया भर में आज भी अधिकांश लोगों के लिए जीविकोपार्जन का जरिया अभी भी श्रम बाजार है। दुनिया भर में वैतनिक कार्यों, उनके प्रकार और पारिश्रमिक के लिहाज से लेबर मार्केट फिट नहीं बैठ पा रहा। मौजूदा वक्त में लेबर मार्केट का जो हाल है उससे जीविकोपार्जन के जरिए बेहतर जीवन संभव नहीं है। ILO रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों को कार्य संबंधी असमानताएं और नौकरियों से उनका निष्कासन बेहतर भविष्य की राह में रोड़ा बन रहे हैं।